गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेवन्थ की संस्कृत का हमने द्वादश पाठ है 12वां पाठ पढ़ा था। क्या नाम था इसका? विद्या धनम, विद्यारूपी धन। तो इसके सारे श्लोक हो चुके हैं। इसमें हमने विद्या के बारे में पढ़ा था कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए हमें सबको छोड़कर विद्या पर ही अधिकार करना चाहिए। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये तो इसके वर्ड मीनिंग है, तो ये पहले आपको वर्ड मीनिंग सारे लर्न करने हैं। अब इसकी एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट है आम और ना बताना है हमें, उसमें आंसर देना। आम मतलब हाँ और ना मतलब नहीं। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के बीच में पूजी जाती है, आम पूजी जाती है। वाग भूषणम भूषणम नय, वाणी रूपी भूषण आभूषण नहीं है, तो ये क्या हो गया? नय है, क्योंकि वाणी सबसे आभूषण होता है। विद्या धनम सर्व धनेशु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में सबसे प्रधान है, आम। विदेश गमने विद्या बंधुजन नय भवति, विदेश में जाने पर विद्या भाई नहीं होती, तो ये क्या जाएगा? नय, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था लेसन में विदेश में जाने पर विद्या भाई के समान है। सर्व विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सभी को छोड़कर हमें विद्या पर अधिकार करो, क्या जाएगा? आम। अब इसमें पद दिए हुए हैं, जैसे नरस्य पद है, इसका लिंग बताना है। कौन सा लिंग है? पुलिंग। पुलिंग विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, वचन कौन सा हो गया? ये एक वचन। इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गुरु नाम, गुरु नाम कौन सा हो गया? पुलिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। केयूरा पुलिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। कीर्ति स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। पूछनानी नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। अब इसमें है श्लोकाशान योजत है, ये मिलान करने हैं। ये विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, क्या आ जाएगा इसमें? विद्या विहीन पशु, इससे मिलान हो गया। केयूरा ने विभूषयन्ति पुरुषम, हारा ने चंद्रोज्ज्वला, से इसको मिला दिया। ने चौर हार्यम ने च राज हार्यम ने भ्रात भाज्यम ने च भार कारी, इससे इसको मिला दिया। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, रत्नई विरणा भूषणम, वाणी का समलंग करोति प्रोसम, क्या जाएगा? या संस्कृता धार्यते। अब प्रश्न उत्तर है, कह पशु कौन पशु के समान होता है? विद्या विहीन पशु, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। का भोगकारी? विद्या। के पुरुषम न विभूष्यन्ति चंद्रोज्ज्वला, हारा। का एका पुरुषम समलंग करोति संस्कृता वाणी, कानिशीयन्ते भूषणानि, क्या नष्ट हो जाते हैं भूषण, आभूषण सारे। इसमें प्रश्न निर्माण करना है, जिसके नीचे अंडरलाइन है उसके आगे क्या आएगा? विद्या विहीन नर पशु अस्ति, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है, तो क्या आएगा? कौन समान है पशु के? कौन की क्या होती है? कै। विद्या राजसु पूज्यते, का क्या पूजी जाती है? चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम ने अलंग कुर्वंती, क्या आ गया? के। पिता हिते नियुक्ते के, विद्या धनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति कीदृशम, विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति, तो दीक्षु की जगह क्या आएगा? पुत्र। अब इसका प्रश्न बताना पूरे वाक्य में, और इसके क्या थे हमारे? एक पद में जो यहाँ पर प्रश्न उत्तर करे थे ना हमने अभी, ये वाले थे हमारे एक पद के, एक पद में लिखा हुआ था ना, एक ही वर्ड में आंसर देना था। अब ये पूरा वाक्य है, गुरु नाम गुरु का अस्ति, क्या है गुरुओं की? गुरु विद्या। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंग करोति संस्कृत वाणी, व्यय कृते किं वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है? विद्या वर्धते, व्यय कृते विद्या वर्धते, इस तरीके से पूरा वाक्य लिखोगे। भाग्य अक्षय आश्रय के, भाग्य अक्षय विद्या, भाग्य के नष्ट होने पर सहारा किसका होता है? विद्या का। अब ये जितने वर्ड लिखे हुए हैं, हमें इसमें से पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बताने हैं। फर्स्ट लेसन में भी थे ये। पुलिंग क्या क्या है इसमें? गुरु पशु मूर्धजा, मूर्धजा यहाँ जूड़े से है। नपुंसक ये स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर? संस्कृता विद्या रति। नपुंसक लिंग आ गया यहाँ से, ये आ गया आपका धनम हो गया, कुसुमम हो गया, ठीक है, जो निर्जीव चीज़ है। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया आपका, इसको कॉपी पर नोट करना है और अच्छे से इसको लर्न करना है। ओके, पूरी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू।